हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। अपने इतिहास में पहला अध्याय चल रहा है। पहले अध्याय के अंदर आज आप पढ़ेंगे हमारी भारत की सबसे प्राचीनतम जो सभ्यता है, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। उस हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वो अपना जीवन निर्वाह है कैसे करते थे, जीवन निर्वाह के तरीके, मतलब जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए वो क्या खाते पीते थे, क्या करते थे, ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो आज की तरह वो पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मैगी तो थी नहीं उनके पास में, है ना। तो क्या रहा होगा आपके हिसाब से, आज से हजारों साल पहले आप भी थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। वो कंदमूल, पेड़ पौधों से प्राप्त जो फल फ्रूट है वो खाते हैं, है ना। और भोजन के रूप में वो मांस मछली ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं नॉर्मली। और कुछ जानवर उन्होंने पालतू बना लिए थे, पता चल गया उनको कि भाई ये जानवर पालतू है, ज़्यादा सींग विंग नहीं मारता है, ये बैठ सकता है और इससे दूध हम प्राप्त कर सकते हैं, दूध से दही प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज़ें उन्होंने समय के साथ में सीख ली थी। तो ये देखेंगे हम कि वो अपना जीवन निर्वाह कैसे करते थे। तो ये थे उनके जीवन निर्वाह के चार तरीके। क्या तरीके हैं? पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद। अब पेड़ पौधों से क्या मिलता है, फल फ्रूट मिलता है। अभी जैसे केजरी का एक पेड़ है, तो ये केजरी कोई हम लोगों ने तो लगा ही नहीं है, आज से हजारों साल पहले भी इस वनस्पति क्षेत्र के अंदर केजरी थी, आज भी है, ठीक है। लोग बादाम और आम भले न लगाए लेकिन केजरी का पौधा जरूर लगाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है, हर चीज़ काम आती है उसकी। उसकी जो फल के रूप में जो सांगरी लगती है, फल लगता है एक तरीके से, वो हम खाते हैं। सांगरी का सूख करके नीचे गिर जाए, हमारे हाथ नहीं आती, तो फिर वो सूखने के बाद जानवरों के हाथ आ जाती है, ठीक है। उसकी पत्तियां जो लूम कहलाती है, लूम जिसको हम कहते हैं, बकरियां बड़े चाव से खाती है एक तरीके से, है नहीं। उसकी डालियां सूख जाने के बाद के अंदर हम जो चार दीवारी जिसको गाँव के अंदर बाढ़ बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है, बाढ़ करने में हमारे वो काम आ जाती है। सूख करके खेत भी गिर जाए तो जलाने में काम आ जाती है, बहुत सारे उसके उपयोग हैं। तो पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद जो है वो एक तो वो लेते थे। दूसरा, शाम के समय मान लो मैंने पार्टी करनी है एक तरीके से, तो वो क्या करेंगे, वो अंडे खाएंगे, मांस खाएंगे, मछली वो पकड़ेंगे एक तरीके से, ये उनके भोजन का मुख्य जरिया था। रोज रोज फल कौन खाए, आपको अगर रोजाना रोजाना सांगरी की सब्जी देते एक तरीके से, हैं, या वो काचरे पड़ी की देते, या वो बाढ़ पर लगते ना, क्या बोलते हैं उनको, नाम नहीं आ रहा, देखो छोटा सा होता है, हरे रंग का एक फल होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, केर मान लो एक, तो केर तो होता ही है, एक बाढ़ पर वो लगता है चौमासे के दिनों में, तोरू, लौकी, घियार, पता नहीं क्या क्या, अगर वही वो देते रहे एक तरीके आयुर्वेदिक है, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक भोजन, तो आपको उससे उपजोगे, तो वो अंडे, मांस, मछली, ये चीज़ें भी खाने के लिए लेते थे। आगे अनाज जो है वो मुख्य रूप से उनका भोजन का हिस्सा था। तो अनाज में वो क्या है, अनाज में गेहूँ, जौ, चावल, चना, चने की दालें वगैरह और तिलहन, ये सब चीज़ें वो भोजन के रूप में लेने लग गए थे। कभी कालांतर के अंदर वो खेती करना सीख गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है अपने राजस्थान में, कालीबंगा, ठीक है। सिंधु सभ्यता के अंदर खेती करने के जो अवशेष हैं वो हमें कालीबंगा से मिले। और खेती भी कैसी, आजकल के लोग जो दो दो तरह की खेती करते हैं ना, जो तीन तीन तरह की, चौमासे में अलग करते हैं, सर्दी में अलग करते हैं, गर्मियों के अंदर अलग करते हैं, इस प्रकार की दो दो खेतियां एक साथ, ठीक है, गेहूं और जौ की, ठीक है, इस प्रकार के अवशेष हमें कालीबंगा से मिले हैं, ठीक है। आड़ी और तिरछी खेती करने के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ हमें, तो ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ये जो चीजें थी अनाज के रूप में, गेहूं, जौ, चावल, चना, दालें, तिलहन, आप लोग ध्यान में रखोगे अनाज के रूप में किन का प्रयोग होता है, ठीक है। और जो जानवर उनके पालतू थे, पालतू जानवरों से उन्हें क्या प्राप्त हो रहा है, दूध प्राप्त हो रहा है, दही प्राप्त हो रहा है, घी प्राप्त हो रहा है, और शहद जो है वो उनके भोजन का एक हिस्सा था, ये प्राप्त होता है, ये तो पालतू जानवरों से, और ये मांसाहारी जानवरों से प्राप्त होता है। तो देखो वो फल फ्रूट भी खा रहे हैं, है ना, वो चिकन मटन भी खा रहे हैं एक तरीके से, वो अनाज भी ले रहे हैं, और दूध दे घी की उनकी नालियाँ बहती है एक तरीके से। तो ये सब हमसे ज़्यादा सुखी थे वो, आजकल हम लोग तो खा ही नहीं पाते, है ना, दूध कितना मिल रहा है, 55 रुपये किलो मालूम है, भैंस का पिया नहीं पिया, है ना। तो ये चीज़ें जो है वो उस समय उनके खाने का मुख्य भोजन का हिस्सा था। अच्छा, इन सब की जानकारी में मिलती कैसे, सर वो शहद कहाँ से आ गया है, मछली कैसे पकड़ते थे, ये
तिलहन क्या होता है, दलहन क्या होता है, वो कैसे जान गए, गेहूं और जौ में फर्क कैसे करते थे, ये सब चीजें भारतीय पुरातत्व वेताओं ने, देखिए एक पद्धति आती है आपने कक्षा 11 के अंदर पढ़ा होगा, तो कार्बन सी 14 वैज्ञानिकों ने इस प्रकार की पद्धति का निर्माण कर लिया है कि किसी भी पुराने से पुराने पदार्थ की जीवन काल, उसकी आयु की गणना हम बड़ी आसानी के साथ में कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे साइंटिस्ट बैठे हैं हमारे देश के अंदर जिनसे वो पता चल जाता है कि ये चीज़ क्या है, ये कितनी पुरानी है और ये किस से संबंधित हो सकती है, ये जानकारी जो है वो खोज करके निकाल चुके हैं हमारे देश के वैज्ञानिक। इससे पता चलता है कि ये सब चीज़ें वो उपयोग में करते थे। कैसे पता चलता है, वो जानकारी के स्रोत क्या है, एक तो हमें मिला है जले हुए अनाज के दानों का साक्ष्य, ये जिनकी बातें कर रहे हैं गेहूं की जौ की चावल की जो दाने हैं ये जले हुए ज्यादा पक जाते हैं, घर के अंदर हम लोग बनाते हैं नीचे चिपक जाते हैं, चिपकी हुई चीजें वो लोग हम लोग खाते नहीं है, फेंक देते हैं, वो कहीं ना कहीं रह गई होगी, ज्यादा जल गई होगी, भुन गई होगी एक तरीके से। आजकल की तरह वो कुकर वगैरह तो है नहीं उनके पास में, सीधे ही वो जो किसी कटोरे के अंदर डाला आग के अंदर रखे वो ज्यादा जल गया भुन गया तो उसको कौन खाएगा ना, इतना भी उनके पास में वो नहीं है। आजकल और मारा मारी, पहले इतने मारा मारने की जितना खाओ खा सकते हो, खुला पड़ा है, ज्यादा भूख लगी एक गेड़ और मार लो, दिन भर खाओ बोले चार बार खाओ कोई दिक्कत नहीं। तो ये था दूसरा बीज और हड्डियां, ठीक है, बीज और हड्डियों की सहायता से लोगों के खान पान की जानकारी उनको मिली है, जैसे वैज्ञानिकों को, ठीक है, तरह तरह के बीज जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं पेड़ पौधों के माध्यम से, और जानवरों की जो हड्डियां मिली है उन हड्डियों के माध्यम से पता चलता है कि हमारे पूर्वजों का, हमारे दादाओं के दादा, परदादाओं के परदादाओं के शोक क्या क्या थे, इनसे हमें पता चल गया। तीसरा बिंदु क्या है, पालतू पशुओं के रूप में उनके पास में क्या था, गाय भैंस भेड़ बकरी ये सब दुधारू जानवर है, ये सब दुधारू जानवर है, तो इनसे वो दूध भी प्राप्त करते हैं, दही प्राप्त करते हैं, वो छाछ का नाम नहीं है शायद वो बिलौना करना नहीं जानते थे, और सिर्फ वो घी कैसे निकला मेरे ये समझ नहीं आया, तो ये देखेंगे हम बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन ये सब इनके क्या है पालतू जानवर जिनसे ये सब प्राप्त करते हैं। मांस खाने के लिए अगर उनको कुछ अच्छा भोजन चाहिए तरीके से, वो इनसे दालों से उग गए हैं, अभी कुछ नया पौष्टिक भोजन चाहिए सर्दियों के दिनों में, तो वो क्या कर सकते हैं, वो मछली मार कर खा सकते हैं, हिरण है, सुअर है, वाह क्या बात है, सांभर है, नीलगाय है, बारहसिंगा है, इन सब जानवरों को वो मार करके खा लेंगे, ठीक है। पांचवा देखो मोहन जोदड़ो नाम निकाल रहे हैं, ये नाम अब आपको तो दिलो दिमाग में छा गया होगा, एक हड़प्पा मोहन जोदड़ो, ठीक है, कालीबंगा लोथल धोलावीरा चनोदड़ो रोपड़, ये कुछ नाम है जो आपको ध्यान में रखने हैं। लगभग अब आप इतिहास कर रहे हो, आगे आप अपना कार्य क्षेत्र इसके लिए बनाओगे तो सालों साल तक आप याद रखोगे, आई थिंक कभी भूलोगे भी नहीं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर वर्तमान के अंदर मोहनजोदड़ो से कछुए की हड्डियों के साथ से, कछुआ जो है जिसकी उम्र हम कितनी मानते हैं 200 साल मानते हैं, वो लोग कहते हैं ना मतलब योगा करें, अगर भाग दौड़ करते रहेंगे, जिम वगैरह करेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे तो हम लंबी आयु जिएंगे। खरगोश और कछुए वाली कहानी बता दो, खरगोश कितना उछल कूद करता है लेकिन उसकी उम्र कितनी होती है, 2-2.5 साल 3 साल होती है। कछुआ आलसी है, पड़ा रहता है नींद के अंदर, तो कोई मतलब नहीं, धीरे धीरे चलता है, खूब नींद लेता है, आस पड़ोस में कुछ मिल गया तो खा लिया पत्तियां घास फूस, वो नींद ले रहा है मौज कर रहा है, 200 साल जीता है। तो ये कछुआ और खरगोश क्या साबित कर रहे हैं, योगी आग से कुछ नहीं है, खाओ पियो मौज खुश हो जाओ, है ना, ये एक मजाक था, सीरियसली मत लेना, नहीं तो गड़बड़े आ जाएंगे आपसे। तो मोहन जोदड़ो से क्या मिली है, कछुए की हड्डियों के साथ से मिले हैं शेर कड़ी, चूना जो पत्थर होता है, ठीक है, उससे बनी हुई नींबू की एक पत्ती। कल मैंने एक वीडियो देखा था छोटा सा, कैसे कैसे चीजें हैं इस प्रकृति के अंदर, इसको जाने दो, साफ सफाई रखते हैं ना हमें, कल मैंने एक वीडियो देखा था जिसके अंदर एक पीपल के पत्ता जैसा पड़ा है वैसे नीचे पड़ा था, 2-5 सेकंड के बाद में एक आदमी था उसने उस पत्ते के हाथ लगाया तो उसने छोटी सी जीभ निकाली और उस आदमी को खाने की कोशिश की, क्योंकि सब अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं, बार बार उसको छेड़ा तो वह तितली बनकर के उड़ गया पत्ता,
मतलब प्रकृति में ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम पता ही नहीं लगा सकते कि क्या चीज है। समुद्र के अंदर गहरे जो जीव होते हैं उनको देखो, वो कैसे बने के बैठ रहते हैं, छुप करके रहते हैं, अचानक से हमला करते हैं, पता ही नहीं चल रहा। तो शेरपड़ी से मिट्टी से बनी हुई एक नींबू की पत्ती मिली है, लीफ मिली हमें, इससे हम अंदाजा लगा रहे हैं कि जैसे अनार, नींबू, नारियल व खजूर की जानकारी के हिसाब से हमें मिले। नींबू की पत्ती मिली है तो नींबू मतलब सिकंजी भी शुरू कर दे, देखो नारियल पानी को पी रहे हैं, है? अगर कोई अवकाश है फास्ट कर लिया है, कोई ग्यारस पूनम कर लिए, तो वो क्या है, खजूर खा रहे हैं, अनार खा रहे हैं, बड़े ठाटवाट से उनका जीवन चल रहा है। आगे देखो, घरों से अन्न भंडार मिले हैं, अन्न भंडार जानते हैं, बड़ी बड़ी कोटियां, आजकल तो स्टील की एल्यूमिनियम की वो रखने लगे हैं। गाँव के अंदर देखो ना, गार से लेप करके एक वो लालटेन जैसी आकृति की बनाते हैं, ऊपर से उसके अंदर हम धान डालते हैं, नीचे एक छेद सा रहता है जिसके अंदर बहुत बड़ा वो क्या बोलते हैं, कपड़ा जो काम का नहीं है उसको लपेट करके उसके अंदर डाल देते हैं, सालों तक उस अनाज को हम सुरक्षित रखते हैं। इस प्रकार के बड़े बड़े अन्न भंडार है, ये तो छोटा सा मैंने एक घर का बताया है, प्रत्येक घर के अंदर एक अन्न भंडार तो जरूरी है, सब लोग रखते थे। तो इस प्रकार के हिसाब से मैंने अन्न जो है ना, ये अन्न जो है ये लेन देन का विनिमय का एक माध्यम है। गाँव के अंदर तो आज भी होता है, गांव के अंदर जो अपने हरिजन परिवार की महिलाएं वगैरह होती है वो झाड़ू वगैरह निकालने के लिए आती है, तो उनको रोटी दे देते हैं या उनको अनाज दे देते हैं। मुझे याद है 15-20 साल पहले जब एक बार ननिहाल के अंदर में कटिंग करवाने गया था नाई के पास में, तो उसने मेरी कटिंग पूरी कर दी, कटिंग की नहीं, उसने इतने से छोड़े आधे आधे इंच पर, बाद में पता चला इसका राज क्या था, क्योंकि गाँव के लोग उसे अनाज देते हैं, ठीक है, सब लोग उसको बाजरी वो पकड़ा के देख रही है सब, उसके पास गांव में किसी के पास इतनी बाजरी नहीं है जितनी बाजरी उस नाई के पास में, सब लोग जो है कटिंग करवाने के बाद अनाज दे रहे हैं। तो अनाज जो है वो विनिमय का तरीका है, लेन देन है, ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर आप लेन देन करोगे तो अनाज के माध्यम से कर सकते हो। ये सिंधु सभ्यता के अंदर दौरान था, उसके बाद वैदिक जो सभ्यता आई उसमें लेन देन का मुख्य माध्यम क्या हो गया, गाय हो गया। अगर आगे पढ़ने का मौका मिलेगा तो हम जानेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। फिलहाल अपना बिंदु क्या था, जीवन निर्वाह के तरीके, ठीक है, ध्यान रखें, ये सब चीजें थी उनके जीवन को जीने का एक तरीका था। आप लोग एक बात और ध्यान रखें, सिंधु जो सभ्यता है वो है नगरीय सभ्यता। आजकल के जो नगर बने हुए हैं इतने बढ़िया डिजाइन, उनकी इंजीनियरिंग का एक साक्षात नमूना जो दर्शाया जा रहा है, नालियाँ कैसे बनी हुई है, घर के डिजाइन कैसी है, ना सीढ़ियाँ किस तरह पे एक तरीके से, रसोई घर किस तरह पे, ड्राइंग हॉल किधर है, तो ये सारी चीज़ें हमें सिंधु सभ्यता में देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरी बात, सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट जो वस्तु है उत्खनन से जो हमें मिली है एक तरीके से, उनके जितने भी साक्ष्य मिले उन साक्ष्यों के अंदर सबसे बेहतर जो साक्ष्य है ना वो है मुहर, सिंधु सभ्यता की मुहरें, वो जो सीलम लगाते हैं, छाप लगाते हैं, देखा ना आपने एक तरीके से सील लगाते हैं, ये मुहरें सबसे विशिष्ट आकृति है सिंधु सभ्यता की, इस बात का भी ध्यान रखो, ठीक है। और ये कैसी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता, ठीक है। इस प्रश्न को आप कॉपी के अंदर करेंगे, प्रश्नों के नंबर आप खुद डालेंगे, 1, 2, 3, 4 प्रश्न संख्या से कितना ही लिखा हो, आपसे आपको उसे कोई फर्क नहीं। धन्यवाद, कॉपी में करना ही सवाल।